अच्छी बारिश की कामना, गिरते भू जल स्तर को बढ़ाना और हरियाली एवं भक्तों की सुख समृद्धि के उद्देश्य से रविवार को इंदौर के वार्ड क्रमांक 44 में एक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने भाग लिया। क्षेत्र के पार्षद रूपेश देवलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर परदेसीपुरा तक कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने कावड़ उठाकर बोलबम के उद्देश्य के साथ शिवलिंग को जल अर्पण किया। बता दें कि सावन माह के चौथे सोमवार के आने के पूर्व ही शहर में भगवा रंग के साथ शिव भक्त शहर में विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। कारा लगा तो अपनी मस्ती में चलेंगे, वहाँ सब चल के भगवान का जलाभिषेक करेंगे और उसके पश्चात भोजन प्रसाद हम सब चलेंगे, साथ में ग्रहण करेंगे। बोल शंकर भगवान की। यह कांवड़ यात्रा का दूसरा वर्ष है। कांवड़ निकालने का उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को बढ़ाना, पूरे देश में हरियाली को बढ़ाना और साथ ही अच्छी बारिश हो, इस उद्देश्य को लेकर यह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ तक ये कांवड़ है? यह कांवड़ यात्रा प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर जगजीवन रामनगर से होकर वार्ड के विभिन्न हिस्सों से होते हुए शिवधाम परदेशीपुरा पर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक। कितने कांवड़ यात्री है? तकरीबन 500 कांवड़ यात्री हमारे साथ यहाँ से शिवधाम तक जाएंगे। कितने लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और क्या उद्देश्य लेके यात्रा निकाल रहे हैं? कितने वर्ष से यात्रा निकल रही है? देखिए, दूसरा वर्ष है और जहाँ तक लोगों का सवाल है, जो भी भक्त इसमें शामिल हो जाए शिव भगवान की कृपा से वो हमें स्वीकार है। और यह जो यात्रा है, ये जैसा कि हमने कहा कि हरियाली को लेकर गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए और देश में अच्छी बारिश हो, इसके लिए ये कांवड़ यात्रा निकाली।